नमस्कार, मैं हंसराज वर्मा, स्टेट मेल टीवी पर आपका स्वागत है। प्रदेश में पांचवी से आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाओं के बाद 31 मार्च को परिणाम घोषित होगा। जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। इनके पास से हथियार, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सामाजिक चिकित्सा संघ के पदाधिकारियों व हरियाणा प्रदेश के लैब टेक्नीशियन आदि ने जननायक जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज के नेतृत्व में मुलाकात की तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज ने प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों की समस्याओं के उचित समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विस्तार से जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए आश्वासन दिया। केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को किसान विरोध बताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन द्वारा आज भुन्ना में रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामस्वरूप ढाणी गोपाल ने की। इस दौरान मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। गांव बुथलकरा में बन रहे पानी निकासी के सरकारी खाल में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सरकारी खाल बनाया जा रहा है, निर्माण के दौरान जो सामग्री लगाई जा रही है वह काफी घटिया स्तर की है। उन्होंने इस मामले में जेई के खिलाफ पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता को शिकायत दी है। कार्यकारी अभियंता से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास शिकायत आई है, वह फिलहाल चंडीगढ़ है और वापिस आकर मौका देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह करेंगे।